जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब जी? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, 1 बज रहा है मतलब। और अभी हवा चल रही है काफ़ी तेज, पेड़ पौधे भी हिल रहे हैं। ये देखो हवा काफ़ी तेज चल रही है, ये देखो। तो मैं ना कपड़े मशीन लगाने जा रही थी, एक तो मन कर रहा धोऊं कि नहीं धोऊं, समझ में नहीं आ रहा। मशीन लगाने जा रही थी लेकिन ये आंधी जैसे मौसम हो गया, पीला पीला सा, बारिश जैसा और हवा चल रही है तेज। मगर कपड़े सुखा भी दूंगी तो उड़ जाएंगे हवा में, पर मम्मी कह रही है धो के रख ले, जब मौसम सही होगा तब लग सुखा देंगे। मौसम अभी ऐसे सही है, मतलब हवा चल रही है, कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन उड़ने का डर लग रहा है उड़ जाएंगे। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा, उसके लिए सॉरी। बस ऐसे ही मेरा मन ना, अभी मैं सोच रही हूँ एकदम कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डालूँगी, ऐसे एक दो दिन का गैप लेके डाला करूँगी, क्योंकि अभी कुछ हो भी नहीं रहा लाइफ में, कुछ स्पेशल कुछ खास तो दिखाऊँ तो इसलिए। और आजकल ना थोड़ा सा मेरा अजीब सा ही हो रहा है कुछ दिनों से, पता नहीं क्या। धूप निकल रही है फिर से थोड़ी सी, देखो निकल रही है। चलो धो ही लेती हूँ, जाके कपड़े धोती हूँ। और आज दिन क्या है? हाँ आज दिन है मंगलवार, और तारीख आज 28 भगवान, हाँ 28 फरवरी है। फरवरी का महीना छोटा होता है ना, इसलिए। तो मौसम तो अच्छा हो रहा है काफ़ी, इसलिए जाती हूँ, देखती हूँ, कपड़े धो ही लेती हूँ, मशीन लगा ही लेती हूँ। धूप निकल रही है वैसे, हाँ ठीक है, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाते हैं मशीन में, बस तो धूप लगने की देर है, थोड़ी सी हवा और धूप, जल्दी सूख जाते हैं। तो चलिए जाती हूँ, धोती हूँ कपड़े, मशीन लगाती हूँ नीचे जाके। ये भी आ रही है उन्नति, देवी का सॉरी। बारिश नहीं हो रही बेटा, मौसम हो रहा है बारिश जैसा। धूप निकल गई है वैसे तो, हल्की हल्की निकल रही है। चलिए कोई नहीं, जाती हूँ कपड़े धोती हूँ। चल सोना, हवा चल रही है। सो जा तू, अब नहा धो ली, 1 बज रहा है। वही खाओ, अपने शहर में खाओ। ये मैं कपड़े भी निकाल के रख के गई थी, देखो थोड़े से निकाले थे भी, मशीन पे रखे थे, पर मौसम देखा तो कोई नहीं धो ले रही हूँ। ये उन्नति के जूते गंदे हो रहे हैं, और मशीन में मेरे कपड़े हो रहे हैं, धोए नहीं है ना, तो दिन से धो लेती हूँ। कल भी नहीं धोए थे कल, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये नीचे सीलन हो रही है ना, नीचे बिल्डिंग में, वैसे तो पूरी जगह ही सीलन है, ये देख रहे हो, नीचे सीलन हो रही थी, यहाँ पे ना ये वो लगी थी, क्या कहते हैं, ये सफ़े सफ़े दिख रही होगी आपको ये, और बाथरूम में भी ना पूरे में हो रही है, देखो देखो आप, ये देखो पर अभी हो गई है पक्की, हटेगी नहीं है, मतलब धीरे धीरे हटेगी, सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है सारे में, तो इसलिए ये कल हुई थी, नहीं तो मैं कल ही धो लेती कपड़े, तो यहाँ पे कल काम चल रहा था थोड़ा सा, इसलिए नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए अब धो लेती हूँ कपड़े और आपसे बाद में मिलती हूँ। 3 मिनट बल्कि 4 मिनट ले लिया आपके पास। तो यहाँ पे मैंने अपने मशीन में से सारे कपड़े निकाल लिए हैं, काफ़ी कपड़े हो गए धोने के लिए, तो बस निकाल के कपड़े और पानी भर लूँगी मशीन में। फिर यहाँ पे ये मशीन का ढक्कन मैंने अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे चढ़ते हैं तो तोड़ देते हैं, ये मम्मी और ये बच्चे लोग बेड पे बस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ मैंने मशीन में चला दिया पानी, तो ये पानी चल रहा है हमारे मशीन के, जो वो होते हैं ना मशीन के वॉश करने वाले, वो निकल गए। और यहाँ मैंने पानी भर लिया है, सर्फ डाल दिया है, कपड़े भी डाल दिए, तो बस ये अब मेरे पहला राउंड घूम रहा है कपड़ों का। तो यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो गए, मतलब धुल गए हैं, मैं ये इनको पानी में वॉश होने के लिए मतलब दूसरे ड्राई मशीन में डाल रही हूँ, तो उनको डाल देंगे तो धुल जाएंगे कपड़े। दो जब तक दूसरा राउंड घूमेगा तब तक ये वाले कपड़े भी धुल के वॉश हो जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी इनको छत पे सुखाने। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है,
इसलिए लेट करा था। फिर 1 बजे करीब मैं कपड़े धोने लगी थी, मौसम थोड़ा सा ख़राब था लेकिन फिर भी मैंने धो लिए कपड़े, लेकिन सही है धो लिए, धो ज़्यादा नहीं, मतलब इतना वो नहीं था, कपड़े सूख गए थे मेरे। तो यहाँ बस फटाफट से मैं पानी चला दूँगी, तब तक यहाँ पे दूसरे राउंड के कपड़े धुलेंगे मेरे। तो फटाफट से चलो डाल देती हूँ मैं अपने कपड़े और उसके बाद जाती हूँ छत पे। आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े सुखाने, 1 राउंड के पहले मैं कपड़े सुखा के चली गई, यहाँ पे मैं दूसरे राउंड के कपड़े सुखा रही हूँ। और कपड़े सुखाने जब तक धोए थे ना तब तक धूप निकल गई थी अच्छी खासी, तो आप देख सकते हो धूप निकल रही है। तो यहाँ बस छत पे भी किसी के कपड़े नहीं है, सिर्फ हमारे ही कपड़े हैं, तो सूख जाएंगे यहाँ 2-1 घंटे में आराम से कपड़े। अब तो कपड़े सुखाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, गर्मियों में कहीं भी सुखा सकते हैं हम लोग। तो चलिए कपड़े सुखा लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं शाम को मतलब रात के डिनर में खाने में मैं बना रही गोभी आलू की सब्ज़ी, तो बस वही छोड़ रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी। और रोटी बनाऊँगी, चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी, बस रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि चावल हमने दिन में भी खाए, हाँ दिन में खाए थे, इसलिए तो चावल नहीं बना रही, सिर्फ रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ गैस ऑफ़ कर रही हूँ, खाना खा लिया है हमने, और रोटी बनाई थी और गोभी आलू की सब्ज़ी, बस खाना खा लिया। उसके बाद यहाँ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, उसके बाद यहाँ गैस मैं साफ़ कर रही हूँ, गैस चिकनी चिकनी मतलब ऑयली हो जाती है, छींटे हो जाते हैं सब्ज़ी छोंकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरुजी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।